News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। ममता सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले में रिपोर्ट भी सौंपी है। आयोग की तरफ से बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा गया है। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के पीछे की वजह बताई है, वो आपको दिखाते हैं। मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालात अभी इतना खराब है, विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। आप बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद आए अधीररंजन चौधरी पहले गाड़ी से निकले और गाड़ी रोके जाने के बाद पैदल ही संदेश खाली रवाना हो गए, लेकिन उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। इससे पहले संदेश खाली की सीमा पर तैनात पुलिस ने बीजेपी के 6 सदस्यों को भी रोका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के सदस्यों के संदेश खाली की सीमा पर पहुंचने पर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी की कमेटी के सदस्यों को संदेश खाली जाने से रोका। पुलिस के रोकने के बावजूद इन लोगों ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले अपनी जगह से हिले तक नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में बनी 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 5 महिलाएं थी। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिया कि वो धारा 144 के नियमों का पालन करेंगी, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और इस पर बीजेपी की टीम के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस को खरी खरी सुनाई, ये तक कहा कि वो अपने साथ उन्हें संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलवाएं, क्योंकि संदेश खाली की कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसीलिए बीजेपी के लोग उनसे मिलने संदेश खाली रवाना हुए। पुलिस ने इस टीम को रोका तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सभी सड़क पर बैठ गए। इससे पहले इन लोगों ने पुलिस को बातचीत से समझाने की कोशिश की। आपके प्रोटेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, आप ले चलिए, आप महिला हो, महिला हैं, जाएंगे महिला की बात सुनने। लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों के किसी तर्क को नहीं समझा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भड़क गयी। ये टीएमसी के गुर्गे और ये पुलिस सब बराबर है। कुछ देर धरना देने के बाद इन लोगों ने एक आखिरी कोशिश की। थोड़ी धक्का मुक्की हुई लेकिन बीजेपी की कमेटी संदेश खाली नहीं जा पाई। इसके बाद ये लोग राजभवन पहुंचे। एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को भी संदेश खाली जाने से इसी तरह रोका गया था। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार तो संदेश खाली जाने की कोशिश में घायल तक हो गए थे। इधर राजस्थान के चुरू से आई खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहां अवैध वसूली के लिए 3 बदमाशों ने एक आदमी की कार को टक्कर मार दी, यहां तक कि लोहे की रॉड से उसकी कार के शीशे भी तोड़ डाले और एक नहीं बल्कि 4 बार उस आदमी की कार को जोरदार टक्कर मारी गई। उनमें 2 बदमाश उस कार के दोनों तरफ लोहे की रॉड से हमला करते रहे। तस्वीरों में सबसे पहले वो कार सड़क से गुजरती दिखी, तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और टक्कर मारते हुए उसका रास्ता रोक दिया। इसके बाद दूसरी गाड़ी से वो 2 बदमाश नीचे उतरे और उस कार पर रॉड बरसाना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी गाड़ी बार बार उस कार को टक्कर मारती रही और रॉड से हमले करते हुए वो बदमाश उस आदमी को धमकाते भी दिखाई दिए, लेकिन वो आदमी अपनी कार से बाहर नहीं निकला। इस बीच हंगामे की आवाज सुनकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद वो दोनों बदमाश उस गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। आरोप लगा कि वो बदमाश उस आदमी से 6 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और उसने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने पर एक बुजुर्ग की मौत व्हीलचेयर न मिलना एक बुजुर्ग की मौत की वजह बन गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने के बाद करीब एक
आज से दिल्ली में बीजेपी की दो दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। भारत मंडपम में आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। ये बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। बैठक में बीजेपी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर आदि शामिल होंगे। और कल पीएम का अभिभाषण होगा, उसके साथ ही समाप्ति होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक की। दो दिन की ये बैठक है और कल पीएम मोदी इस बैठक में जीत का मंत्र देंगे। आज जो बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। कल पीएम मोदी शामिल होंगे, ये जानकारी मिली है। कल पीएम मोदी का अभिभाषण होगा, उसके बाद समाप्ति होगी। इसमें पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से नारा दिया था, अब की बार 400 पार, लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में कैसे 400 पार सीटों को जीतना है, इसका मंत्र पीएम मोदी देते दिखाई देंगे। और उधर रेवाड़ी में मंच से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की बढ़ रही साख का जिक्र कर दिया और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद जाहिर की। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती है, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार